सो है गाइस, मैं हूँ आत्रेय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो है यार, सो है गाइस, मैं हूँ आत्रेय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय मेकअप हैक्स। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों से दिस ब्लैक सिल्वर स्मोकी आई लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप गाइस इस बार ये आई लुक आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। एंड अगर आप लोगों को मेरे इस वाले मेकअप लुक अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज मैं पहले स्टार्ट करूंगी मेरे आई मेकअप से। तो आई मेकअप के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की अल्ट्रा प्रो पैलेट को, कंसीलर पैलेट को, एंड इनमें से कंसीलर शेड को पिक करके उससे मैं मेरे आईलिड को कंसील कर रही हूँ। तो मैं दोनों आईज पे बहुत ही अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। एंड ब्रश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया है एक कंसीलर ब्रश को। एंड कंसीलर को अप्लाई करने के बाद मैं एक छोटी सी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैप डैप करके ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं व्हाइट टोन फेस पाउडर की हेल्प से मेरे आईज को सेट कर लूँगी, ताकि मैं इसके बाद जो भी आई शेडो के अप्लाई करूँ वो बहुत ही अच्छे से मेरे आईज पे बैठ जाए। देन मैं उसके बाद यहाँ पे पैलेट के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की एक पैलेट को। इनमें से एक ब्राउन कलर की शेड को पिक करके एक फ्लैपी ब्रश की हेल्प से उसको मेरे क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं एस एफ आर की इस वाली पैलेट में से एक ब्लैक कलर की शेड को पिक करके उसको मेरे आईलिड पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। एंड ब्रश के लिए मैं यहाँ पे स्किन प्लस की एक आई ब्लेंडिंग ब्रश की यूज़ किया है। तो मैं दोनों आईज पे बहुत ही अच्छे से सर्कुलर मोशन में आई शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ। एंड गाइस, देन मैं पहले वाले फ्लैफी ब्रश की हेल्प से दोनों आई शेडो को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड उसके बाद मैं एक सिल्वर कलर की शेड को पिक करके उसको मेरे फुल लिड एरिया पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। एंड गाइस, देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मालियन की एक ब्लैक कलर की जेल लाइनर को। एंड एक स्मॉल एंकल ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे लाइनर को अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस, उसके बाद मैं ऑफ कैमरा आईलैश को वेयर कर लिया है। एंड मैं आज 60 की आईलैश को वेयर किया है इन दिस शेड 33। उसके बाद मैं एक सिल्वर ग्लिटर को पिक करके उससे मेरे इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं एक टिश्यू की हेल्प से मेरे फुल फेस को क्लीन कर रही हूँ। सो गाइस, अभी मैं स्टार्ट करूँगी मेरे फेस मेकअप को। तो मैं पहले यहाँ पे पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजर क्रीम की हेल्प से मेरे फुल फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। एंड गाइस, देन मैं आज प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की प्राइमर को। एंड प्राइमर के 2-3 पंप में मेरे फेस पे लेके इसको बहुत ही अच्छे से मेरे फिंगर की हेल्प से फुल फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर को। एंड कंसीलर के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के कंसीलर को। एंड गाइस, मेरे कंसीलर के शेड नेम है 06 क्लियर मियोन। तो मैं मेरे कंसीलर को अंडर आईज पे एंड मेरे फेस पे जहाँ पे भी डार्क स्पॉट है वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। एंड मेरे कंसीलर ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। एंड उसके बाद एक छोटी सी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइस, फाउंडेशन के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी की फाउंडेशन को इन द शेड 228। तो मैं पहले फाउंडेशन को डैब डैब करके मेरे फुल फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं स्किन प्लस की एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइस, इस वाली ब्रश की हेल्प से मेरे फाउंडेशन इतना मस्त ब्लेंड हुई है कि मैं क्या बताऊँ। मैं इस वाली ब्रश को लिया था फ्लिपकार्ट से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, आई थिंक 49 रुपीज़ में। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लेना। उसके बाद मैं पर्पल की कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से मेरे फुल फेस को सेट कर लूँगी। एंड ब्रश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक पाउडर ब्रश को। सो
सो गाइस कंटूर के लिए मैं यूज करूंगी एनवाइबे के कंटूर बम को एंड कंटूर की हेल्प से मेरे चिक्स के नीचे जहाँ पे घोलो क्रिएट होते हैं वहाँ पे मेरे नोज को कंटूर कर लूंगी। देन उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। एंड गर्ल्स कजल के लिए मैं यूज कर रही हूँ एनवाइबे के कजल को एंड कजल को मैं मेरे वाटर लाइन पे बहुत ही बोल्ड करके अप्लाई कर लूंगी। एंड गर्ल्स देन मैं एनवाइबे की व्हाइट कजल को मेरी वाटर लाइन के मिडिल वाली पोर्शन पे अप्लाई कर लूंगी। एंड उसके बाद मैं मस्कारा के लिए यूज कर रही हूँ मेबेलिन की हाइपर कर्ल मस्कारा को एंड मस्कारा की हेल्प से मैं मेरे अपर लैश एंड मेरे लोअर लैश को कट कर रही हूँ। सो गाइस ब्लश के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ स्टेक वर्की के ब्लश को इन द शेड नेम पीची लेडी 3 चिकी गर्ल ब्लश। एंड हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन मास्टर क्रोम के हाइलाइटर को इन द शेड 050 रोज गोल्ड मोल्टन और रोज गोल्ड फोंडू एंड इसकी हेल्प से मैं मेरी विजुअल स्पॉन को हाईलाइट कर लूंगी। एंड लिपस्टिक के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ मिस क्लेयर की एक लिपस्टिक को इन द शेड 12 एंड ये एक बहुत ही अच्छी लिप शेड है। एंड गाइस मैं आज लास्ट में आईब्रोज को क्रिएट करूंगी तो आईब्रोज को क्रिएट करने के लिए मैं यूज किया है ग्लैम 21 की आईब्रोज पैलेट को एंड इसकी हेल्प से मैं मेरे आईब्रोज को क्रिएट कर लिया है। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी इस वाली मेकअप लुक अच्छी लगी है। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी इस वाली मेकअप लुक अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट ला सकूं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।